How do we design a data warehouse? For this designing, we need to understand the underlying architecture of data warehouse. Ab jo designing ka process hai, first question which comes to our mind whenever we are designing a data warehouse is, if this design is similar to a common database management systems. If I ask you people ki agar aapse ek database management system banane ko kaha jaye, to uske design se relevant aapke zehen mein first term ya first technique kya aati hai? कुछ को जरूर पता होगा कि जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिजाइन की बात करते हैं तो जो आंसर जहन में आता है दैट इज कॉल्ड ईआर डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनल डायग्राम्स। एंटिटी रिलेशनल डायग्राम से मुराद ये है कि जो हमारी डेली लाइफ की एंटिटीज हैं उनको हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं और फिर आपस में उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अब क्या ये ईआर डायग्राम्स एप्लीकेबल हैं फॉर डेटा वेयरहाउस एप्लीकेशंस? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज डेटा वेयर हाउस की जो एप्लीकेशन हैं दे आर वेरी मच स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। तो अब हमारे पास क्या चॉइसिस कौन सी हैं कि किसी भी डेटा वेयर हाउस की डिजाइन बनाने के लिए कौन सी चॉइसिस हैं? फर्स्ट वन इज स्टार स्कीमा और स्टार चॉइस, सेकेंड वन इज स्नोफ्लेक स्कीमा और थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड फैक्ट कॉन्स्टलेशन। इस मॉड्यूल में हम स्टार स्कीमा पर डिस्कशन करेंगे। अब व्हाई इट इज नेम्ड एज स्टार? स्टार से मुराद क्या होता है कि इसके अंदर दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो एक फैक्ट टेबल कहलाता है जो सेंटर पीस ऑफ द स्कीमा होगा, और फिर उस सेंटर पार्ट के इर्द-गिर्द सैटेलाइट्स मौजूद होंगे जिनको हम डायमेंशन टेबल्स कहेंगे। अब ये डायमेंशन टेबल्स या इन्हें एंटिटी टेबल्स भी कहा जाता है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है कि एक मेन सेंटर टेबल है जिसको हम कह रहे हैं बेसिकली लार्ज सेंट्रल टेबल और फैक्ट टेबल, और उस फैक्ट टेबल के इर्द गिर्द जो है हमारे पास डायमेंशन टेबल्स मौजूद हैं। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगी दैट वी हैव दिस सेल्स फैक्ट टेबल। अब ये सेल्स फैक्ट टेबल क्या है कि अगेन हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की, और उस ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर हम फोकस करें सेल्स के ऊपर। अब सेल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने उसका सेल्स का एक फैक्ट टेबल बनाया है विच इज इन द सेंट्रल और पिवट लोकेशन टू द रिमेनिंग टेबल्स। जो फैक्ट टेबल है वो मिडल में है और बाकी जितने भी टेबल्स हैं जैसे आइटम का, दिस इज डायमेंशन टेबल वन, लोकेशन डायमेंशन टेबल टू, डायमेंशन टेबल थ्री, डायमेंशन टेबल फोर। तो सेल्स का जो फैक्ट टेबल है उसके डायमेंशन टेबल्स या जो उसके साथ कनेक्टेड टेबल्स हैं वो हैं आइटम, लोकेशन, टाइम एंड ब्रांच। अब कंसेप्ट क्या है कि जो हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं उन सब की कीज यहां पे मौजूद होंगी, वन टू थ्री एंड फोर, और हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं, जो इसकी वैल्यूज हैं वो हैं कि जो सेल्स है उसमें कितने डॉलर्स की सेल हुई है और कितने यूनिट सेल हुए हैं। डॉलर से मुराद क्या है कि कितनी करेंसी, कितनी उसने अर्निंग की, और यूनिट से मुराद क्या है कि उसने कितने आइटम्स को सेल किया। अब हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि इसको स्टार स्कीमा क्यों कहा जा रहा है। स्टार स्कीमा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बेसिकली इट रिजेंबल्स, और वी कैन से दैट इट रिजेंबल्स अ स्टार बस्ट। स्टार बस्ट से मुराद क्या होता है? वेयर डायमेंशन टेबल्स आर डिस्प्लेड इन रेडियल पैटर्न अराउंड अ सेंट्रल फैक्ट टेबल। स्टार बस से मुराद क्या है कि ये एक मेन टेबल है, लेट्स से ये वाला, और इसके इर्द गिर्द आपके पास डिफरेंट रेडियल फंक्शंस मौजूद हैं या रेडियल डायमेंशन टेबल्स मौजूद हैं। तो एक सेंट्रल लोकेशन है और उसके इर्द गिर्द आपके पास डिफरेंट चीजें मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इसका? एडवांटेज तो क्लियर है इसका कि सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें एक फैक्ट टेबल है, उसके इर्द गिर्द आपने डिफरेंट वैल्यूज को रख दिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जो टेबल्स हैं ये क्या है कि ये एक पूरे कंसेप्ट को इकट्ठे ही डिफाइन कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि हमारे पास कंफ्यूजन्स जनरेट होंगी। जैसे कंफ्यूजन से मुराद क्या है? लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर हमारे पास दो सिटीज हैं, लेट्स से कि मैं एक बुक की एग्जांपल लेता हूं जिसमें उन्होंने दो सिटीज लिए हैं। फर्स्ट वन जो है वो अर्बाना है और सेकेंड जो है वो शिकागो है। अब ये जो दोनों शहर हैं, सिटीज हैं, ये दोनों इलिनॉय स्टेट के अंदर हैं, यूएस में।
तो अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अगेंस्ट अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में काफी जगहों पे हमें रिडंडेंसी होगी। रिडंडेंसी मुराद क्या है कि जो लोकेशन का टेबल है उसमें काफी ज्यादा रिडंडेंसीज आ रही होंगी। जैसे अगर हम कहें इलोनाय इज द स्टेट और विच इज इन यूएस, और इसके साथ अगर हम सिटी लगा दें लेट से अर्बाना, इसी तरह अगर हम लगाएं शिकागो, ये अर्बाना की जगह आप शिकागो भी आ सकता है यहाँ पे, या कोई भी शहर आ सकता है जो इस पर्टिकुलर केस में। तो अब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है क्या होगा कि अब इसकी वजह से काफी ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में डेटा पड़ा होगा जो यूजलेस होगा। तो एडवांटेज तो स्टार स्कीमा का ये है कि इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू यूज, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट विल जनरेट रिडंडेंट डेटा, और उस रिडंडेंट डेटा को रिमूव करने के लिए हमें डिफरेंट मैकेनिज्म देखना पड़ेंगे, जिसका एक आंसर जो है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि वो कैसे हम इसको चेंज करते हैं यूजिंग स्नोफ्लेक स्कीमा।